हमारे रसोई विद सिमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर इंस्टेंट और बिना मावा, बिना चाशनी, बिना किसी भी झंझट के जो झटपट बनकर तैयार होते हैं वो मोदकों की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप इसे देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे किस तरह से कलरफुल तरीके से बनाया है। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपके साथ जो मोदक शेयर करने जा रहे हैं उसे हम कच्चे चावलों का इस्तेमाल कर बनाएंगे। ये देखिए, जो रेगुलर चावल होते हैं वही चावलों को हमने यहाँ लिया है। इसमें ऐड करने के लिए लिया है देसी घी, कुछ किशमिश, गुलाब की पंखुड़ियाँ, पिसी हुई चीनी। तो फिर चलिए, ये मोदक बनाने से पहले हमें करना क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। मोदक बनाने से पहले देखिए, इन चावलों को हमें धो लेना है। देखिए, मोदक बनाने से पहले हमें एक बड़ा बाउल ले लेना है और इसमें हमें ये वाले चावल देखिए ऐड कर देना है। अब इन चावलों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो आप जैसे इसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन चावलों को देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे आप पास से भी देख सकते हैं। ये देखिए, इन चावलों पे हमें लगा देना है एक ढक्कन। अब कम से कम 30 मिनट इसे हमें यूं ही ढककर छोड़ देना है। लगभग देखिए आधा घंटा हमने चावलों को धोकर इसमें का पानी निकाल कर अच्छे से रेस्ट करने छोड़ दिया था। अब इस चावलों को हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ड्राई हो गए हैं। इन्हें हमें ज़्यादा भी ड्राई नहीं होने देना है फ्रेंड्स। बस देखिए, इसी स्टेज पे हमें इन चावलों की बना लेनी है पाउडर। चलिए इसे मिक्सर में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चावल का आटा है, इसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। और हाँ, इसे हमें ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। देखिए, ये इसकी मुट्ठी ऐसे बन जाए, इतनी नमी इसमें होनी चाहिए। अब इसमें हमें देखिए मिला लेना है एक कटोरी पिसी हुई चीनी। अब इसमें हमें इस चावल के आटे में हमें मिला देना है घी। 2 से 3 बड़े चम्मच घी हमें इसमें देखिए इस तरह से ऐड कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लिक्विड फूड कलर। देखिए, 3 से 4 बूंद हमने इसमें कलर भी ऐड कर लिया है। हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसमें का कलर और घी अच्छे से चावल के आटे में मिक्स हो जाए। ये एक इंस्टेंट तरीके से बनकर तैयार होने वाली मोदक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसी रेसिपी आपने न देखी होगी न कभी बनाई होगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जब हमने ये मिश्रण तैयार किया है तो इसे हमने येलो कलर में रखा है और एक कटोरी मिश्रण हमने अलग से इसे व्हाइट कलर में रखा है। अब चलिए इसके हम बना लेते हैं मोदक। ये देखिए, इस तरह से मार्केट में ये सांचे अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। इन सांचों का इस्तेमाल करके हमें ये मोदक बनाना है। आइए इसे हम भर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे भर लेना है। बीच में उंगली इंसर्ट करके इसमें जगह बना लेनी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक किशमिश। अब जो बची हुई जगह है इसको हम मिश्रण भर कर फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से दबाकर फिल कर लेना है। अब आइए इसे हम खोलते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा मोदक बनकर हो गया है रेडी, आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए इसी तरह से हम सारे मोदक अपने बना लेते हैं। देखिए, मोल्ड में हम गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसमें फिर से हम इसे फिल करेंगे, लेकिन फिल करने से पहले सांचे को हमें कर लेना है बंद। बस अब इसमें एक उंगली इंसर्ट करनी है इस तरह से। इसे देखिए, हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसमें हम फिर से डालेंगे एक किशमिश। बचे हुए जगह में मिश्रण को हम करेंगे फिल। इन मोदकों को बनाने के लिए न चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी, न मावे की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। और ये सुंदर भी कितने दिख रहे हैं, इसे आप देख ही पा रहे हैं। इन मोदकों को, इनमें हमने अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके इन्हें बना दिया है।
तो फिर चलिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।